दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस, किस तरीके से आप एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो भी आप किसी भी एज का, और क्या क्या पॉइंट है, सारे पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा। दोस्तों हम बता दें कि आपको पहले यहाँ जो बर्थ का एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन का महाशिव संग्राम का पोर्टल चालू हुआ है, इससे बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी एज का बर्थ बना सकते हैं, और किसी भी एज के जो पहले एक्सपायर हो चुके हैं उनका आप डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। केवल आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर आपको आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पेज मिल जाता है। कैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते हैं हमने पहले वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे विजिट करके आप वहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी प्राप्त करना है। तो दोस्तों यह जो महासंग्राम स्टार्ट हुआ है सीआरएस के ही पोर्टल है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो मोबाइल नंबर उसमें दर्ज था वो आप दर्ज करेंगे तो वही आईडी आपको यहां पे रिसीव होगा। तो यहां पर जनरल पब्लिक पे आपको क्लिक करना है। जनरल पब्लिक पे आपको क्लिक करते हैं तो इस तरीके का पेज ओपन होता है, जनरल पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर फिल करना है, और जो भी यहाँ पर कैप्चर शो हो रहा है कैप्चर फिल करके और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो दोस्तों, आपका जो मोबाइल नंबर था उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके आप क्या करेंगे, दर्ज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको होम का बटन मिल जाता है और यहाँ पे बर्थ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सर्च बर्थ रजिस्टर आपने जितने भी बर्थ आप बना रखे हैं आपका ये रजिस्टर्ड है, और आपने यहाँ पे जितने भी बर्थ का रिपोर्ट देना चाहते हैं आप इस पॉइंट से दे सकते हैं, और जितने भी बर्थ के इवेंट थे घटना थे आपकी पुराने वाले यहाँ पर आपके शो होंगे, आपने जो भी रजिस्टर्ड किया था ओल्ड वाले मैन के लिए, और यहाँ पे जो स्टिल बर्थ होते हैं जैसे कि गर्भाशय के अकॉर्डिंग आपकी किसी का बच्चा पेट में ही एक्सपायर हो चुका है उसके लिए यहाँ पर रिपोर्ट आप दर्ज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड है इसके यहाँ। और यहाँ पे सर्च स्टिल बर्थ रजिस्टर्ड है, यहाँ पर आप अपना सर्च कर सकते हैं जितने भी बर्थ का आपने दिया है जो भी गर्भाशय में एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए, और यहाँ पे फॉरेन बर्थ जो फॉरेन कंट्री में जिनका बच्चा पैदा हुआ है उनका जितना भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कैंडिडेट का न्यू कैंडिडेट है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप रिपोर्ट बर्थ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों हमने आपको बता दिया कि स्टील जो बर्थ होते हैं वो गर्भाशय के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी एक्सपायर हो जाते हैं उन्हीं का ही बर्थ का रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। और यहाँ पर हमने सर्च स्टील बर्थ रजिस्टर है, इसका मतलब जितने भी आपका बर्थ बना हुआ है गर्भाशय के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको दिखा दें कि आप जैसे जो भी अप्लाई करेंगे इवेंट आपका यहाँ पे शो होगा, सेल्फ रिपोर्ट एप्लीकेशन जो भी आपकी डिटेल होगी यहाँ पे, एप्लीकेशन नंबर टाइप आप इवेंट सबमिट बाई डेट ऑफ रिपोर्टिंग स्टेटस एक्शन या सर्विस जो भी होगा यहाँ पे सर्विसेज आपकी शो होगी। ड्राफ्ट में आप देख सकते हैं जो भी आप अधूरे आप जो भी जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई किए होंगे वो आपका शो होगा, और जो भी रिजेक्ट एप्लीकेशन होगा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ पे डिटेल्स होगा, जो कोई भी आप एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एनएससी एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो एनएससी एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका उसका एप्लीकेशन यहाँ दिखा देगा, और सर्च ऑफ एक्स्ट्रा रिसिप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सर्च एंड एक्स्ट्रा रिसिप्ट आप देख सकते हैं जो भी आपका रिसिप्ट होगा, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके हम आपको दिखा देते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग बताया गया जाता है कि आप जो है यहाँ पे उनके हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं हम यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप इनके अकॉर्डिंग ईमेल आईडी इनके दी गई है। चलिए हम इस पर आपको क्लिक करके दिखा देते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनकी ईमेल आईडी दी गई है, सपोर्टिंग टाइम दी गई है, देख सकते हैं सपोर्टिंग सेंटर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके अकॉर्डिंग इनका नंबर भी दे रखा है, आप इनसे बात भी कर सकते हैं। कोई भी बर्थ अप्लाई करने से पहले अगर आपको प्रॉब्लम होती है इनके अकॉर्डिंग आप
बात भी कर सकते हैं। तो होम पे आपको क्लिक करना है, जैसे होम पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे चले आइएगा। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आप देख सकते हैं, अगर आप डेथ का अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ डेथ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आप डेथ रजिस्ट्रेशन आपका है और सर्च डेथ रजिस्ट्रेशन आपका ऑप्शन मिल जाता है। जितने भी आपने डेथ अभी तक अप्लाई किया है उनका आप रिपोर्ट यहाँ देख सकते हैं। एडॉप्शन में आ जाते हैं, जो भी बच्चे एडॉप्ट होते हैं उनका आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक न्यू बर्थ अप्लाई करके बताएंगे। आपको बर्थ पे पॉइंट पे चले जाना है, रिपोर्ट बर्थ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही रिपोर्ट बर्थ पे आप क्लिक करोगे दोस्तों, आपको न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं चार पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका जो बर्थ है कंप्लीट किया जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको लीगल इन्फॉर्मेशन देना है, यहाँ पे स्टेटस इन्फॉर्मेशन देना है और यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन कंफर्म करेंगे और उसके बाद आपका कंफर्म होगा। उसके बाद साथ में आपका 10 रुपये का पेमेंट कटेगा जिससे फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो उसके बाद ही आपकी कार्रवाई की जाती है। इसके लिए आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ने अब तक 10 रुपये का पेमेंट आपसे ले रही है इस सर्विसेज का लाभ लेने के लिए। अगर आपका सब कुछ डॉक्यूमेंट सही रहा तो आपका जल्द से जल्द आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन तरीके से आप अप्लाई करके रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो प्रॉपर होगा तो आपका 100% बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग स्टेट को चयन कर लेना है, जो भी स्टेट है। आपको स्टेट चयन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा सर्च लेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च इन्फॉर्मेशन पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपका चयन हो जाएगा और सेकेंडरी भाषा आपकी जो है ऑटोमेटिकली हिंदी चयन हो जाएगा। पहले क्या था, केवल इंग्लिश में ही आपका आता था, लेकिन दोस्तों अब आपको अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपने इंग्लिश ऑटोमेटिकली प्राथमिकता भाषा दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी आपकी भाषा होती है, जैसे कि आप अगर यूपी और दिल्ली इस वहाँ से बिलोंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हिंदी आ जाएगा। अगर आप हरियाणा व पंजाब जो लुधियाना और सॉरी तो पंजाब में है तो यहाँ पे पंजाबी भाषा आपकी शो होगी, और अगर आप जो तमिलनाडु में है गुजरात में तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको गुजराती भाषा शो होगी। तो आपको यहाँ पे सेकेंडरी भाषा ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्टेड होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी भाषा आप दिए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका टाइमिंग शो होगा, जो भी रिपोर्ट आप देना चाहते हैं। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा, बच्चे की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर में दी गई है। देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप पुराना से पुराना बना सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर जो भी व्यक्ति का बनाऊंगा वो उनकी डेट ऑफ बर्थ 95 है, उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बनाऊंगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे इस तरीके का मैसेज आ जाता है कि जाँच लें कि जो भी डेट ऑफ बर्थ आप डाले हैं उनके अकॉर्डिंग आपके पास सभी दस्तावेज हैं या नहीं है। तो आपको इसको अपने क्लोज पे क्लिक करना है, सब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए तभी आपका अपलोड होगा। फिर उसके बाद कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको टाइम की जानकारी ही कि आपका बर्न कब हुआ था उस व्यक्ति का, तो आप यहाँ पे टाइम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन आ जाता है, जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद उस व्यक्ति का जिसका आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार नंबर है तो इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आधार या EID आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो इसको ऑप्शन में छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है बच्चे का नाम रखा गया है, तो आपको यहाँ पर अगर रखा गया है, यदि बच्चे का नाम नहीं है तो आपको इसको चेक मार्क पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे जो बच्चे का नाम शो हो रहा है नहीं रखा गया तो ये आपका हाइड हो जाएगा। अगर बच्चे का नाम रख दिया गया है तो आपको यहाँ पे इसको चेक मार्क नहीं करना है। बच्चे का फर्स्ट नेम, बच्चे का मिडिल नेम और बच्चे का यहाँ पे लास्ट नेम मेंशन करेंगे। तो हमने बताया कि जैसे कि ओल्ड से ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट हम बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जिनका उम्र जो है कम से कम 35 से 40 साल है उनके लिए क्या बर्थ या अप्लाई हो सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे लाइव प्रूफ। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख लेंगे। फिर जैसे ही आप लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप होके चला आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर नेम एंड चाइल्ड ऑप्शन इज नॉट नेम एंड कैन बी एक्सेप्टेड। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम बता दें स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर इसके बाद कन्फर्म जो चाइल्ड नेम है, जो भी बच्चे का नाम होगा, तो अपने को यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको फिल कर लेना है, कंफर्म कर लेंगे।
फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको बताया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साल के डेट ऑफ बर्थ अगर ऊपर का है कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको बच्चे का नाम देना कंपलसरी है, क्योंकि आप एक साल से ऊपर के दे रहे हैं किसी की इन्फॉर्मेशन, तो आपको नाम देना बहुत ज़रूरी है। अगर एक साल का अंदर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अनचेक कर चेक मार्क कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, नाम ऑप्शन आपको आएगा नहीं। तो मैं बहुत पुराना डेट ऑफ बर्थ बना रहा हूँ तो स्क्रॉल डाउन करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, फादर का फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे फादर का मिडिल नेम लिखेंगे और यहाँ पे फादर का लास्ट नेम। और एक चीज़ और तो और बता दें कि जैसे कि आप फर्स्ट नेम लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपका हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर का यहाँ पे मिडिल नेम आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में ऑटोमेटिकली हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर फादर का ही यहाँ पे मोबाइल नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, फिर उसके बाद फादर की ईमेल आईडी है मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे फादर का आधार नंबर मेंशन कर सकते हैं। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, जो भी रेडिट पॉइंट होंगे वो कंपलसरी फिल करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देख सकते हैं यह आपको कंपलसरी फिल करना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी और जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर भी आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल फादर की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम देंगे, फिर उसके बाद मदर का मिडिल नेम, और उसके बाद मदर का लास्ट नेम। आपका अगर केवल सिंगल नेम है तो आप केवल सिंगल नेम फिल कर सकते हैं। जैसे फिल करेंगे आपका हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप हुआ जाएगा। फिर उसके मोबाइल नंबर आप मेंशन करना चाहते हैं मदर का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ईमेल आईडी मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसे इसको भी आप लीव कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप डाल देते हैं तो इसमें क्या होता है, ईमेल आईडी और फिर जो भी आपने दे रखा है रिसिप्ट, जो भी रिपोर्ट होगी वो सारी घटनाएं आपको मैसेज की जाती है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और आधार नंबर आप माता जी का देना चाहते हैं दे सकते हैं, ये नहीं तो ये ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ पेरेंट एट दिस टाइम, बच्चे का जो जन्म हुआ था उसका उस समय इनके पते का विवरण देना है, इंडिया में हुआ था या भारत के बाहर, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, जितने भी सारे स्टेट हैं आप अपने अकॉर्डिंग सभी स्टेट में से अपने स्टेट चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाता है, जो भी आपका एरिया का डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक आमतौर पर आजमगढ़ लिख के दिखाते हैं। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे उप जिला में आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे विलेज है या टाउन है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही विलेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जितने भी सारे विलेज हैं आपको अपने अकॉर्डिंग आ जाते हैं। फिर एरिया का आपको पिन कोड मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद बिल्डिंग नंबर या नेम आपके पास है मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। हाउस नंबर है आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं। स्टेट नेम है लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, जैसे ही मेंशन करेंगे और स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है माता या पिता का अस्थाई पता, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर दोनों सेम है पर जो भी आपका अपने डाले हैं जब जन्म के समय दोनों सेम है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाटा दोनों फैच होकर चलाएगा, और यहाँ पर जो डिटेल भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अलग है जन्म के स्थान पर तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर जो भी जिला है जिला चूज करेंगे, फिर उसके बाद आप उप जिला चूज करेंगे, फिर उसके बाद टाउन, उसी तरीके से आपको यहाँ पे गांव चूज करना है, पिन कोड चूज करना है, जो भी बिल्डिंग नेम नेम हाउस नेम है आप मेंशन करेंगे, जो भी डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे एड्रेस से रिलेटेड आपको हिंदी में टाइप होकर नीचे चलाएगा। फिर उसके बाद सेलेक्ट यूनिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आप जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज करेंगे जो भी गांव उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आ जाता है सेलेक्ट यूनिटी, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, ग्राम पंचायत या PSC जो भी है आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ज़रूर आ जाएगा दोस्तों जैसे ही आप ये एड्रेस डिटेल फिल करेंगे। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपका यहाँ पे घर हुआ है तो आपको यहाँ पे घर या अगर हॉस्पिटल में हुआ तो अन्य स्थान पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ऐसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो भी आपका यहाँ पर आप इस पहले देख सकते हैं बच्चे का जन्म के समय माता पिता की जो एड्रेस है वो आप कॉपी करना चाहते हैं, अगर सेम है तो आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, ऑटोमेटिकली जो भी आपका एड्रेस डाले हुए थे आपका यहाँ पे फैच होके चला आएगा। तो यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट मिल जाता है डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है,
और उप जिला मिल जाता है, और उसके बाद टाउन है या विलेज है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे गांव शहरी का नाम आ जाएगा, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि माता या पिता किस धर्म से थे, आपको धर्म लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फादर का यहाँ पे लेबल लिखना है, कितनी पढ़ाई किए हुए थे, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद इनका कार्य क्या है, आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं खेतिहर मेंशन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे उसी तरीके से मदर का इन्फॉर्मेशन देना है, माता जी हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर माता जी का यहाँ पे जो एजुकेशन लिखना है, अगर आपकी माता जी यहाँ पर ऑप्शन है दे सकते हैं, अगर इलिटरेट है पढ़ी नहीं है तो आप यहाँ पे इलिटरेट भी अशिक्षित भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद माता जी का यहाँ पे व्यवसाय चूज कर लेना है, जो भी माता जी का व्यवसाय है सभी ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं अन्य सूचना में आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है विवाह के समय माता पिता की आयु पूर्ण वर्ष में, आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि यहाँ पूछा गया है यदि माता यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की कुल आयु लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन इंटर द एज ए कम्प्लीट ईयर द इंटर फर्स्ट मैरिज इन मोर देन वन सेकेंड। तो आपसे पूछा जा रहा है जो माता जी की विवाह हुआ था एक ही बार हुआ था, तो ऐसी स्थिति में उसका एज कैलकुलेशन करके यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जैसा कि जो भी एज थी वो आपको एज लिखनी पड़ेगी। तो चलिए एज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एज लिखने के बाद उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इस संतान को जन्म के समय की आयु जो इस जो संतान आपका प्राप्त हुआ है उस समय आपकी उम्र कितनी थी तब से, तो आपको उम्र जो थी आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना। चलिए मैं यहाँ पे 23 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर माता इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना। चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा, जो भी बच्चे जीवित है आपके माता के पास जो भी बच्चे हैं सारे बच्चों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है प्रसव के समय आपके जो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, डॉक्टर किए थे या नर्स किए थे, जो भी आपके किए थे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन दे रखते हैं। अगर होम डिलीवरी हुआ, अगर रिश्तेदार या अन्य थे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेटिव अदर्स का ऑप्शन भी दे रखा है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है जो भी होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा प्रसव का प्रकार, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्मल हुआ था तो नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जन्म के समय आपका वजन कितना था, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटर दी वेट आपकी जो है 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए, 2.35 से ऊपर होना चाहिए, तो आपकी जो भी वेट थी आप यहाँ पे वेट लिखेंगे, बच्चे की वेट लिखना है माता का नहीं, यहाँ पे बच्चे का वेट लिखना है, जो भी बच्चे का वेट था बच्चे का वेट लिखेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है गर्भावस्था की अवधि क्या थी, गर्भावस्था नॉर्मल जो होते हैं 9 मंथ होते हैं टोटल, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है गर्भावस्था प्राप्त करने कंप्लीट करने के प्रोसेस जो होते हैं 9 महीने होते हैं और 39 वीक होती है, तो आपको यहाँ पे वीक में लिखना है, तो जो भी आपका है वीक आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस चाइल्ड हर्ट फोटो इशू डिपार्टमेंट पोस्ट, यहाँ पर आपको कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी देना है, एड्रेस आपको देना है और अदर डॉक्यूमेंट वोटर आईडी भी दे सकते हैं, बैंक पासबुक भी दे सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी भी दे सकते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डर भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देख सकते हैं 3 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए वो, जैसे मनरेगा कार्ड दे सकते हैं, भामाशाह कार्ड दे सकते हैं, जन आधार कार्ड देख सकते हैं, स्कूल आईडी कार्ड देख सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देना चाहते हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं चाइल्ड आधार दे देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे ब्राउज करके आपको जो भी डॉक्यूमेंट है 8 MB के अंदर आपको बताया गया है JPG PG PDF जो भी आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर आपको कंपलसरी है, और जब तक आपका ऑर्डर नहीं होगा तब तक आपका फाइल सबमिट नहीं होगा। तो ऑर्डर किसका चाहिए देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की,
यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही केयरफुली देख लीजिएगा, जब तक आप ये अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की आपको यहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद अप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जो अप्लीकेशन आप दे रहेंगे उस पर आपका मोहर साइन करके हस्ताक्षर करके वो दे देंगे, फिर उसी को ही आपको अपलोड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट सपोर्टेड डॉक्यूमेंट क्लेम के अकॉर्डिंग दे रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन, बहुत दो ही ऑप्शन देख सकते हैं, अदर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, या पे स्कैन कॉपी फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म भी दे सकते हैं, या पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं पैन कार्ड मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद पैन कार्ड अपलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, देखने के बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और सेव एंड ड्रॉप पे क्लिक करके उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिटेल्स होगा और आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। सारा डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन है, प्लेस ऑफ बर्थ है, सारी डिटेल यहाँ पर आपके शो होंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है कि आपको जो भाषा प्रमाण पत्र चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो आपको बोथ पे रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का एक स्क्रॉल डाउन करके नोटिफिकेशन होता है कि आपके द्वारा जो बताई गई जानकारी है सब कुछ सही है, तो आपको यहाँ पे टिक मार करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आप 1969 की धारा 23 के अकॉर्डिंग आपके द्वारा जो डाटा दी गई है, और अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो आपको यहाँ पे जो भी दंड है आपको दंड दिया जाएगा। सब कुछ अगर सही हो तभी आप जाकर सबमिट पे क्लिक करिएगा दोस्तों, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा प्रॉपर होना चाहिए। और अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा, उसका भी सोल्यूशन हम बता देंगे दोस्तों, कहाँ से बनवाया जाएगा और कैसे ऑर्डर बनवाए जाते हैं सब कुछ हम आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन आपको पास ऑर्डर बहुत ही कंपलसरी है, जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं होगा तब तक आप आगे कोई प्रक्रिया नहीं कर सकते। ये जो है आपको हमने बताया है कि 30 से ऊपर के एवब के कैंडिडेट के लिए ऐसी प्रक्रिया की जाती है, तो आपको इसको टिक मार करना है और आपको यहाँ पे 10 रुपये का पेमेंट कर लेना है। चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से आप जो बर्थ बनवा रहे हैं इसके लिए आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 10 रुपये का फीस लिया जाएगा, तो इस पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हो आपको इस तरीके का मैसेज आ जाता है कि देयर रिक्वेस्ट यू आर वाज रिजेक्टेड, प्लीज कंसल्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। इस पर आपको बैक पे क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हो इस तरीके का अगेन महा जो रजिस्टर है भारत के अकॉर्डिंग इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे चेक पेमेंट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको अगेन ऑप्शन पे लेके चला जाएगा पेमेंट के ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आपको पेमेंट कर लेना है 10 रुपीज का। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट का इस तरीके का रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट भी आप दे सकते हैं। कुछ स्टेट में अभी ये अप्लाई करने का तरीका पूरी तरीके से जारी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना है या आपको अपने अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग जो भी हेल्पलाइन नंबर है आपको मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले लेना है, तो जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग आपके एरिया में अगर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का ऑप्शन आ चुका होगा, पूरे तरीके से सर्वर्स इस्टेब्लिश हो चुका होगा, तो आप आसानी से किसी भी एज का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास केवल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो इस तरीके से आप बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी एज का आसानी से बना सकते हैं।